स्कैटरिंग ऑफ लाइट अब क्या होती है? व्हेन सनलाइट, व्हेन द लाइट कमिंग फ्रॉम सन एंटर्स द एटमॉस्फेयर, देन देयर आर एयर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर. तो ये जो लाइट आ रही थी यहाँ पे सनलाइट, व्हेन इट एंटर्स अर्थ एटमॉस्फेयर बिकॉज ऑफ redistribution of light energy in all the direction by the air molecules, scattering of light takes place. So scattering है क्या? कि जब ये light earth के atmosphere में enter करती है, वहाँ air molecules present हैं. Air molecules they will scatter the light into in all the direction. They will redistribution light in all the direction. This is called scattering of light. ये scattered light है. This was unscattered light coming from the sun. तो उसको हर direction में send करते हैं, redistribute कर देते हैं light energy. So this is called scattering of light. And this happens because of air molecules present in the atmosphere. अब लिखिए इसकी statement. Scattering of light क्या होती है? Redistribution of light. Redistribution of light in all the directions. Redistribution of light in all the directions redistribution of sunlight kar lo redistribution of sunlight in all the directions by air molecules present in the atmosphere. By air molecules present in the atmosphere. ठीक है, तो इसको कहते हैं scattering. होता क्या है? Rayleigh's law of scattering. Now we are going to do a law. Rayleigh is the name of a scientist. Rayleigh's law of scattering. What did he say? Rayleigh's law of scattering. He said that intensity of scattered light, scatter होती है, ये हमें पता चल गया. But intensity of scattered light, मतलब amount of scattered light, कितनी light scatter हो रही है, that depends upon wavelength of light. It is inversely proportional to fourth power of wavelength of light used. Wavelength क्या होती है? हर कलर की डिफरेंट वेवलेंथ होती है. लाइक आई टोल्ड यू, रेड कलर हैज लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, वायलेट कलर हैज शॉर्टेस्ट वेवलेंथ. तो जब डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ्स हैं, स्कैटर्ड लाइट का अमाउंट भी डिफरेंट है, दैट मींस लिटरल मीनिंग ये है. लिखिए स्टेटमेंट, रेलेज लॉ ऑफ स्कैटरिंग, फॉर्मूला लिख लो साथ में. हाँ जी, लैम्डा 4. द इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट, स्टेटमेंट ऑफ द लॉ. The intensity of scattered light is inversely proportional to the fourth power of wavelength of light used. Inversely proportional to the fourth power of wavelength of light. Inversely proportional to fourth power of wavelength of light. इसका मतलब क्या है कि जो शॉर्ट वेवलेंथ कलर्स होंगे लाइक वायलेट, इंडिगो, ब्लू, उनकी स्कैटरिंग ज्यादा होगी, वो ज्यादा स्कैटर होगी, और जो लॉन्ग वेवलेंथ है वो कम स्कैटर होगी, लाइक रेड, ऑरेंज, वो कम स्कैटर होंगे. ठीक है, तो वी हैव सो मेनी कंसेप्चुअल बेस्ड ऑन दिस लॉ, सो लेट अस राइट ऑल द एप्लीकेशंस ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन. तो अभी जो फॉलोइंग क्वेश्चन है, 4-5, वो सब इसी की एप्लीकेशन है एंड कैन बी आस्क्ड इन द फॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंट क्वेश्चन एज वेल. ओके, सो राइट द फर्स्ट वन. Why does normal sky appear blue in color? Yeah, yeah.
इसमें एमसीक्यू जरूरी नहीं आपका एमसीक्यू होगा, आपका मोस्ट प्रॉब्ली सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव होगा टर्म टू। अच्छा ये तो टर्म वन ही है। हाँ इसमें, अरे पहले कॉन्सेप्ट तो करो ना, आगे जो भी आएगा वो देख लेंगे। चलो लिखो, व्हाई इज नॉर्मल स्काई ब्लू इन कलर। हाँ जी आप क्या कह रहे हो? एप्लीकेशंस ऑफ रेलेज लॉ ऑफ स्कैटरिंग। फर्स्ट इज व्हाई इज नॉर्मल स्काई ब्लू इन कलर। ये जो नॉर्मली आपका स्काई दिखता है, आप कहते हैं ना स्काई ब्लू कलर है, तो ये क्यों ब्लू कलर का दिखता है हमें? यस, अकॉर्डिंग टू रेलेज लॉ ऑफ स्कैटरिंग इट इज एप्लीकेबल हियर। तो जो शॉर्ट वेवलेंथ कलर है वो नॉट ओनली ब्लू कलर, वो तो डार्क ब्लू कलर होता है, ये कलर कोई और है, ये लाइट ब्लू है। ये कैसे बना? जो शॉर्ट वेवलेंथ कलर है ना बॉटम पे, वॉयलेट इंडिगो एंड ब्लू कलर, दे आर शॉर्ट वेवलेंथ कलर एंड दे गेट स्कैटर्ड द मोस्ट अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एंड स्काई अपीयर्स टू बी अ मिक्सचर ऑफ दोस थ्री कलर। तो उनका मिक्सचर है और साथ में इतना ज्यादा एरिया के ऊपर स्कैटर हुआ तो लाइट हो जाता है, ठीक है? तो ये रीजन है। लिखिए फर्स्ट, व्हाई इज नॉर्मल स्काई ब्लू इन कलर। आप लिखोगे शॉर्ट वेवलेंथ कलर वॉयलेट इंडिगो एंड ब्लू, शॉर्ट वेवलेंथ कलर। हाँ ये तीनों शॉर्ट वेवलेंथ कलर्स वॉयलेट इंडिगो एंड ब्लू आर स्कैटर्ड द मोस्ट अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, है ना, अकॉर्डिंग टू रेलेज लॉ। Short wavelength colors, violet, indigo and blue are scattered the most according to Rayleigh's law. According to Rayleigh's law, so normal sky, so the normal sky appears to be the mixture of these colors, that is blue. Appears to be a mixture of these colors, that is blue. हाँ, तो moon और space, moon पे हमें sky का color black दिखता है, dark दिखता है। Space का जब आप diagram बनाते हो black दिखाते हो ना उसको, उसका रीजन क्या है? बिकॉज देर इज नो एयर देर, मून हैज नो एटमॉस्फेयर, सो नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट टेक्स प्लेस, दैट्स व्हाई इट अपीयर्स ब्लैक और डार्क। ये भी लिख लो, अलग से लिख लो, स्कैटरिंग नहीं ना हो रही, स्कैटरिंग नहीं हो रही। व्हाइट लाइट तब दिखेगी जब सारे कलर आपकी आईज तक पहुंचेंगे, उनका मिक्सचर व्हाइट होता है। जब स्कैटरिंग हो ही नहीं रही है तो फिर आपको कोई भी कलर नहीं दिखेगा, वो ब्लैक होगा, डार्क होगा। हाँ जी, कहाँ पे? मून पे। वो तो मून की अपनी लाइट है, रिफ्लेक्टेड लाइट है, दैट इट गेट्स फ्रॉम द सन, है ना। हम तो बात कर रहे हैं स्काई, बाकी का जो सारा आपको ब्लैक डार्क क्यों दिखता है, स्पेस क्यों ब्लैक दिखता है, हम क्यों डार्क बनाते हैं। तो लिखिए इसका, व्हाट इज द कलर ऑफ स्काई ऑन मून। तो आप लिखोगे ब्लैक, और व्हाई, व्हाई इट अपीयर्स ब्लैक, हाँ, बिकॉज देर इज नो एयर ऑन मून, सो नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट टेक्स प्लेस। स्कैटरिंग वर्ड यूज करना है, मतलब फिजिक्स बिहाइंड इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट, बिकॉज देर इज नो एयर ऑन मून, सो नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट टेक्स प्लेस। एयर मॉलिक्यूल भी तो लाइट को स्कैटर करते हैं, अगर एयर ही नहीं है तो स्कैटरिंग कैसे होगी? सो इट अपीयर्स डार्क और ब्लैक। No air on moon, there is no air on moon, so no scattering of light takes place. No scattering of light takes place and it appears dark or black. और एक चीज और नोटिस की आपने, प्रिज्म में हम वर्ड यूज कर रहे थे डेविएट, एंगल ऑफ डेविएशन से रिलेटेड था, यहाँ पे हम वर्ड यूज कर रहे हैं स्कैटरिंग। So there is difference between these two words. Use accordingly. Okay? यहाँ पे आपने scatter word use करना है, deviate word use नहीं करना है। या आपका principle क्या है? Scattering of light. Next question है, why are danger signals red in color?
आप देखते हो डेंजर सिग्नल वो जो साइन भी बना होता है डेंजर का, वो रेड ही होता है। हाँ, उसका रीजन क्या है? बिकॉज रेड कलर है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ अकॉर्डिंग टू रेलेज लॉ ऑफ स्कैटरिंग। अगर वेवलेंथ लॉन्गेस्ट है स्कैटर्ड लाइट की इंटेंसिटी सबसे कम होगी, सो इट इज लीस्ट स्कैटर्ड कलर, इट स्कैटर्स द लीस्ट। अगर उसी प्लेस पे ये कम स्कैटर हो रहा है so that's why it will cover the farthest distance, दूर से विजिबल हो जाएगा, it will reach our eyes from a farther distance। देखो ब्लू कलर वो स्कैटर हो गया, खत्म हो गए, रेड कलर लीस्ट स्कैटर हुआ तो ये अब ग्रेटर डिस्टेंस कवर कर सकता है, इट कैन रीच आवर आईज फ्रॉम अ लार्ज डिस्टेंस, दैट्स व्हाई इट बिकम्स विजिबल फ्रॉम एन एप्रिशिएबल डिस्टेंस। जो चीज स्कैटर हो गई वो यूज होगी, कंज्यूम होगी। ब्लैक कलर कौन सा होता है? विब गियर में कोई ब्लैक कलर नहीं है ना? ब्लैक कलर है, इसको आप नहीं मानोगे, विब गियर के 7 कलर हैं, उनकी बात करो कि उनमें से क्या देखे, ठीक है? तो इसका आप क्या लिखोगे? रेड कलर है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, सो अकॉर्डिंग टू रेलेज लॉ इट स्कैटर्स द लीस्ट एंड रीचेस द फार्देस्ट डिस्टेंस। It is scattered the least. That is why it scatters the least and reaches farthest distances and becomes visible from a far away distance. Right? After that, next is clouds appear white in color. Why do the clouds appear white? तो व्हाइट ब्लैक दोनों का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, व्हाइट अब क्यों लिखती। क्लाउड्स लाई इन लो एटमॉस्फेयर वेयर डस्ट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एंड वाटर पार्टिकल्स आर प्रेजेंट दैट आर बिगर इन साइज, ठीक है? क्लाउड्स लाई इन लो एटमॉस्फेयर वेयर वाटर एंड डस्ट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट दैट आर बिगर इन साइज, सो दे स्कैटर ऑलमोस्ट ऑल द कलर्स इक्वली, सभी कलर्स को स्कैटर कर देते हैं। सो द लाइट कमिंग फ्रॉम क्लाउड्स कंटेन्स ऑल द 7 कलर्स and mixture of 7 colors is white, so that's why clouds appear to be white, theek hai? Haan, likho ye clouds lie in low atmosphere where water and dust particles are present, where water and dust particles are present having bigger size, where water and dust particles are present having bigger size, so they scatter almost all the colors equally, they scatter all the colors equally, right? So what happens? The light coming from clouds contains all the 7 colors. Mixture of 7 colors is white, so the clouds appear to be white. Okay, so the light coming from clouds contains all the 7 colors, and mixture of 7 colors is white, so the clouds appear to be whitish. बस हो गए सारे, यही था मेन। अब इसके रिलेटेड एक और इफेक्ट है, टिंडल इफेक्ट। दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, टिंडल इफेक्ट। अब क्या होता है कि सपोज एक क्लोज रूम है, काफी डेज से वो क्लोज है, ठीक है? एक स्ट्रीक ऑफ लाइट उसमें एंटर करती है, आप रूम ओपन करते हो, डोर खुलता है, उसमें से लाइट एंटर करती है, स्ट्रीक ऑफ लाइट एंटर करती है, यू सी द डस्ट पार्टिकल्स मूविंग इन दैट स्ट्रीक ऑफ लाइट, मस्ट हैव हैपेंड विद यू कि कई बार आपने स्टोर रूम ओपन किया हो तो ऐसा होता है कई बार, है ना? पिक्चर्स में मूवीज में भी देखा होगा, तो उसमें डस्ट पार्टिकल्स मूव करते हुए नजर आते हैं लाइट में, पाथ ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल, that is called tindal effect. So ये जो air part dust particles है, they are like colloidal suspensions in the air, ठीक है?
तो वो भी लाइट को स्कैटर करती है, उससे स्कैटरिंग का अमाउंट ज्यादा होता है तो लाइट का पाथ भी विजिबल होता है, तो दैट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट, उसका एक स्टेप अहेड है। तो लिखिए टिंडल इफेक्ट क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलोइडल पार्टिकल, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलोइडल पार्टिकल सस्पेंडेड इन द एयर, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलोइडल पार्टिकल सस्पेंडेड इन द एयर ड्यू टू विच path of light becomes visible, due to which path of light becomes visible, or add on kar sakte ho saath mein yaar, and dust particles can be seen moving, and dust particles can be seen moving randomly, path of light becomes visible, yahan tak bhi theek hai. It is the scattering of light by colloidal particles suspended in the air due to which path of light becomes visible. This is called Tyndall effect. Example yahi, a streak of light entering a closed dark room and light entering through a canopy of trees in a forest. हाँ, तो कैनपी और ट्रीज ऐसे बने होते हैं ना, उसमें भी अगर कहीं से लाइट एंटर करे उसमें भी ऐसे इफेक्ट दिखता है। तो लाइट एंटरिंग अ कैनपी ऑफ ट्रीज इन अ फॉरेस्ट, CANOPY, कैनपी। उसमें भी ऐसे ही है क्योंकि ट्रीज का जो ये शेप के कैनपी है वो पूरा कवर कर लेती है एरिया को, तो अगर अब उसमें लाइट एंटर करेगी तो वो स्कैटर हो जाएगी, इसमें इतनी सारी डस्ट ट्रैप हो चुकी है, वो जो ट्रैप्ड डस्ट है इसमें इतनी सारी, वो बिग साइज के डस्ट पार्टिकल में, तो लाइट को ज्यादा स्कैटर कर देती है, उससे लाइट का पाथ विजिबल हो जाता है। ठीक है, वन मिनट लिखिए एक और, व्हाई द सन अपीयर रेडिश, मैं दिखाऊंगी आपको, ये बुक पे मत जाओ, जो डायरेक्ट आया हुआ वो देखो, अटेंडेंस लिखिए आयुष, जैसिका, कार्तिके, आप रोल नंबर लिखो ना, रोल नंबर 2, 23, 25, 28, 39, 42, यस, व्हाई डज sky appear reddish, sun and sky, why do sun and sky appear reddish at the time of sunset or sunrise, ye scattering ka hi hai, ye kar lo pehle, ye kar lo, chalo ye sunao, stand up sunao, why does sun appear reddish at the time of sunset or sunrise, अब उसका रीजन क्या है कि सनसेट और सनराइज टाइम पे, इधर कौन है, सनसेट और सनराइज टाइम पे सन रेज हैव टू ट्रेवल अ लॉन्ग डिस्टेंस बिकॉज सन इज नियर होराइजन। ठीक है, ये देखो ये होराइजन है, अगर सन इसके ऊपर आएगा तो विजिबल होगा, ठीक है, तो ये काफी दूर होता है, होराइजन के पास होता है, तो सन रेज हैव टू ट्रेवल अ लॉन्ग डिस्टेंस व्हेन दे आर कमिंग टुवर्ड्स अर्थ, तो ऑन द वे लॉन्ग वेव, शॉर्ट वेव एंड कलर्स आर स्कैटर्ड, क्योंकि वो सबसे ज्यादा स्कैटर होते हैं, शॉर्ट वेव एंड कलर स्कैटर हो जाते हैं, तो आते आते एंड में वो कलर बचते हैं, डोमिनेट करते हैं जो लीस्ट स्कैटर्ड थे, दोज कलर्स आर यू नो रेड एंड ऑरेंज, सो स्काई अपीयर्स रेडिश ऑरेंजिश एट द टाइम ऑफ सनसेट और सनराइज, तो इसका रीजन ये है कि बहुत दूर होते हैं, बाकी कलर सारे खत्म हो जाते हैं, स्कैटर हो जाते हैं, बचते वो हैं जो सबसे कम स्कैटर हुए होते हैं, लीस्ट स्कैटर्ड कलर रेड एंड ऑरेंज। चलिए लिखिए इसका, लिखो एट द टाइम ऑफ सनसेट और सनराइज, एट द टाइम ऑफ सनसेट और सनराइज सन रेज हैव टू ट्रेवल अ लॉन्ग डिस्टेंस, सन रेज हैव टू ट्रेवल अ लॉन्ग डिस्टेंस
short wavelength colors. Short wavelength colors are scattered on the wave. Short wavelength colors are scattered on the wave. Scattered on the way, and in the remaining light, in the remaining light, red color dominates in the remaining light. Red color dominates, which was least scattered. Red color dominates, which was least scattered. So sky appears reddish at that time. Sun and sky both. So the sky appears reddish at that time, which was least scattered. Test ke ek bari answer sun lo. Test set A was assertion: virtual image can't be obtained on the screen. Ye true hai. रीजन है वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इनवर्टेड, वो हमेशा सेम होगी. तो बी आपकी रीजन जो रॉन्ग है, स्टेटमेंट ही रॉन्ग है. वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है. तो ए इज ट्रू और रीजन जो है वो फॉल्स है. आपका आंसर है सी पार्ट. ऑप्शन हमेशा उसी ऑर्डर में होनी है, इसीलिए नहीं दी गई. वो अब आपको आइडिया हो जाना चाहिए. आप ज्यादा ही था तो आप लिख देते ये ट्रू है ये फॉल्स है, अगर इतनी कंफ्यूजन होती. ठीक है, चलो सेकंड है. एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 35 सेंटीमीटर फ्रॉम कनकेव मिरर और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, इट विल प्रोड्यूस व्हाट काइंड ऑफ इमेज. इसका आंसर था डिमिनिश्ड रियल इमेज, क्योंकि फोकल लेंथ 15 है. इसका मतलब सी 30 पे होगा और ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 30 से रखी है 35. तो रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड इमेज. मैं लिख रही हूँ, नोट कर लो. वही रहो मैंने कहा. नॉट द ऑप्शन.